अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आपके साथ सीएमए के प्लेटफॉर्म से मुहातिब हूँ। आज हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। जी, आज आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 13 है, मीन्स चैप्टर नंबर 13, जो कि है इनपुट आउटपुट सिस्टम्स पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका डिस्कस करना है ओवरव्यू, देन इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस और इंटरफेस डिस्कस करेंगे, देन कर्नल सिस्टम और उसका सब सिस्टम, देन ट्रांसफॉर्मिंग आईओ रिक्वेस्ट्स टू हार्डवेयर ऑपरेशन, स्ट्रीम्स और परफॉर्मेंस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हमने इन सब को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। जी, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि इसको पढ़ने के, इसको रीड करने के हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें इनपुट आउटपुट की। तो एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ सब सिस्टम। ठीक है, अगर आपने इनपुट आउटपुट के सब सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी सिस्टम को या स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना है, यानी कि उसके बारे में जानना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप लोगों को इनपुट आउटपुट की जितने भी सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। देन डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ आईओ हार्डवेयर एंड इट्स कम्प्लेक्सिटी। आपको इनपुट आउटपुट के डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटी आती है, कम्प्लेक्सिटी कहते हैं पेचीदगी को, यानी कि जो मुश्किल टास्क होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये पढ़ने के बाद आप वो जान जाएंगे। देन प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स ऑफ आईओ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि जितने भी हमारे पास हार्डवेयर की हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना। देन हमारे पास ओवरव्यू आ जाता है। ठीक है, ओवरव्यू क्या है कि आईओ मैनेजमेंट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। आईओ मैनेजमेंट क्या है, एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है जो कि डिज़ाइन भी किया गया है और उसको ऑपरेट भी किया गया है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बनाया गया है, उसको डिज़ाइन किया गया है किस काम के लिए, ऑपरेशन के लिए, कि वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ऑपरेशंस बहुत से हो जाते हैं, सम का ऑपरेशन हो गया, गेट का ऑपरेशन हो गया, यानी कि वैल्यूज़ को इंटर करवाना, वैल्यूज़ को गेट करना, उसके बाद सम, प्लस माइनस, ये सारे कंप्यूटर के भी ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, आईओ डिवाइसेस वेरी ग्रेटली, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, एफिशिएंटली वर्क करती हैं। देन वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल देम, बहुत से मेथड्स हैं जो कि इनकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाता है कि इसकी जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि जिस भी प्रोसेस को हम कर रहे हैं, जिस भी काम को हम मैनेज कर रहे हैं, उसकी स्पीड क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है न्यू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस फ्रीक्वेंट, यानी कि डिवाइसेस की जितनी भी टाइप्स यूज़ हो रही हैं जो फ़ायदेमंद हैं इस प्रोसेस के लिए। पोर्ट्स, बसेस, डिवाइस कंट्रोलर्स कनेक्ट टू वेरियस डिवाइसेस, जो पोर्ट्स होती हैं, बसेस होती हैं, उसके बाद डिवाइस के कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, ये किसके साथ कनेक्ट होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। अब हम बात कर लेते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं, डिवाइस ड्राइवर्स इनकैप्सुलेट डिवाइस डिटेल्स। ठीक है, डिवाइस के ड्राइवर्स में क्या होती है, उसी डिवाइस की डिटेल होती है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है, इसमें उस डिवाइस की सारी डिटेल मौजूद होती है कि उसमें कैसे वर्किंग करनी है, कैसे उसमें एरर्स को देखना है, कैसे उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, प्रेजेंट यूनिफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेस टू आईओ सब सिस्टम, और उस आईओ सब सिस्टम का जो इंटरफेस है उसको आप लोगों ने किस तरह से मौजूदा अमल के लिए एक्सेस करना है, यानी कि जो अभी आप टास्क जिस डिवाइस पे परफॉर्म कर रहे हैं उस पे आपने आईओ सब सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है। जी, अब हम बात कर लेते हैं आईओ हार्डवेयर के बारे में कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर क्या है। इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ आईओ डिवाइसेस, हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस की वैरायटी है। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टोरेज आ जाती है, ट्रांसमिशन आ जाता है और ह्यूमन इंटरफेस। स्टोरेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिस्क और टेप्स। ठीक है, यानी कि डिस्क में भी हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, टेप्स में भी। ट्रांसमिशन क्या होती है, एक तौर पे मीडिया, यानी कि ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिस वे को यूज़ किया जाता है उसे।
तो वो उसमें हम एग्जांपल्स ले लेते हैं मॉडेम्स की और कार्ड्स की, नेटवर्क कार्ड, ठीक है। NW का मतलब होता है नेटवर्क कार्ड्स। देन ह्यूमन इंटरफेस में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको ह्यूमन यूज़ करता है, लाइक स्क्रीन, उसको ह्यूमन यूज़ करता है, कीबोर्ड, उसको भी ह्यूमन यूज़ करता है, और माउस के प्रोसेस को भी ह्यूमन यूज़ करता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कॉमन कंसेप्ट्स, सिग्नल फ्रॉम IO डिवाइसेस इंटरफेस विद कंप्यूटर। अब कॉमन कंसेप्ट्स में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, तभी कोई फंक्शन परफॉर्म होता है ना। लाइक पोर्ट, पोर्ट क्या है? कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइस, यानी कि डिवाइस के लिए कोई एक कनेक्शन पॉइंट, कहाँ पर हम दो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम पोर्ट कहते हैं। देन बस, डिजी चेन और शेयर डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को बसेस के थ्रू या डिजी चेन के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करना। PCI बस, कॉमन इन PCs एंड सर्वर्स, PCI एक्सप्रेस। अच्छा, PCI बस क्या है? PCs और सर्वर, सर्वर वो होता है जिसके अंडर बहुत से कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत ऑनर होता है बहुत से PCs का, बहुत से कंप्यूटर्स का। तो वो PCI बस वो है जो कि बहुत कॉमन होती है PC और सर्वर्स में, उनको यूज़ करती है, ठीक है। एक्सपेंशन बस क्या है? कनेक्ट्स रिलेटिवली स्लो डिवाइसेस, यानी कि जितनी भी आपके पास डिवाइसेस हैं उनमें से जो जिसकी वर्किंग स्लो होगी उसको कौन कनेक्ट करेगा? एक्सपेंशन बस। आगे हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर के नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंट्रोल करती हैं फंक्शंस को। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑपरेट पोर्ट, यानी कि पोर्ट को ऑपरेट करती है, कंट्रोल करती है, बस को कंट्रोल करती है, डिवाइस को कंट्रोल करती है। इसमें आ क्या क्या जाता है? समटाइम्स इंटीग्रेटेड, यानी कि बाज़ औक़ात जो है वो इंटीग्रेशन का स्टेप परफॉर्म होता है। समटाइम्स सेपरेट सर्किट बोर्ड, समटाइम्स क्या होता है कि जो बोर्ड होते हैं सर्किट वो सेपरेट होते हैं, मीन्स के हर टास्क के लिए जो अलग प्रोसीजर, अलग डिवाइस यूज़ की जाती है। कंटेन्स प्रोसेसर, अब ये क्या कंटेन करता है? प्रोसेसर कंटेन करता है माइक्रो बोर्ड, प्राइवेट मेमोरी, बस कंट्रोलर एट्सेट्रा, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रोसेसिंग के दरमियान में उसे चाहिए होती हैं, ठीक है, और उसको कंट्रोलर कंट्रोल करता है। सम टॉक टू पर डिवाइस कंट्रोलर विद बस कंट्रोलर, माइक्रो कोड, मेमोरी एट्सेट्रा, यानी कि डीलिंग करनी पड़ती है कुछ कंट्रोलर डिवाइसेस के साथ जब आपने कोई भी वर्किंग परफॉर्म करना है। टॉक टू मतलब कि किसी चीज़ के साथ बात करना, किसी चीज़ के साथ डील करना कि इसकी हमने वर्किंग किस तरह से करनी है, ठीक है। देन हमारे पास एक टिपिकल PC का बस स्ट्रक्चर आ रहा है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सारी जो है ये PCI बस है, ठीक है। अब इसके साथ कंट्रोलर कनेक्टेड है, यानी कि ये जो कंट्रोलर है और इसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट है, ये भी कंट्रोलर है, इसके साथ भी नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट है, ठीक है। ये सारे यानी कि हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कह लें इनको। कंट्रोलर है ना, ग्राफिक्स कंट्रोलर, ग्राफिक्स कंट्रोलर के साथ क्या कनेक्टेड है? मोनिटर। ये क्या है? ब्रिज मेमोरी कंट्रोलर, ब्रिज मेमोरी कंट्रोलर के साथ क्या कनेक्टेड है? प्रोसेसर। अब इस ये प्रोसे ये जो कंट्रोलर है इसके साथ दो और चीज़ें कनेक्ट हैं, एक कैश मेमोरी। कैश जो है ना वो आपकी स्मॉल और फास्ट मेमोरी होती है, यानी कि कैश इज़ अ वेरी स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी। इसमें थोड़ी देर के लिए डाटा को रखा जाता है, लेकिन ये है कि इसकी वर्किंग जो है उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। और ये हमारे पास मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, ठीक है, जहाँ मेमोरी लिखा हो उसका मतलब होता है मेन मेमोरी। अच्छा, ये क्या है? SCSI कंट्रोलर, इसके साथ तो ये डिस्क अटैच हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे के साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर भी हमारे पास कंट्रोलर है, IDE डिस्क कंट्रोलर, जिसने डिस्क को कैरी किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंटरफेस एक्सपेंशन बस का, और यहाँ पर कीबोर्ड। अब ये एक्सपेंशन बस है जिसमें से एक पैरेलल पोर्ट निकल रही है और एक सीरियल पोर्ट निकल रही है। ये एक ऐसा बस स्ट्रक्चर है जो कि आपको बताएगा कि किस तरह से PCI बस के साथ हम कंट्रोलर्स को ऐड करते हैं। कंट्रोलर एक एक हर एक कंट्रोलर किसी ना किसी एक हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ कर रहा होता है, यानी कि उसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, कीबोर्ड है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, और यहाँ से ये कीबोर्ड को एक्सेस कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई हर चीज़ के लिए किसी ना किसी एक कंट्रोलर को यूज़ किया गया है। अच्छा, IO हार्डवेयर, IO इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल डिवाइस, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। डिवाइसेस यूजली हैव रजिस्टर्स। अब कुछ डिवाइसेस के पास रजिस्टर्स होते हैं वेयर डिवाइस ड्राइवर प्लेसेस कमांड्स
जहाँ पर डिवाइस ड्राइवर जो है वो कमांड्स एंटर करते हैं। अब कमांड्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है, रीड की कमांड होगी, राइट की कमांड होगी, एग्जीक्यूशन की कमांड होगी। अच्छा, अब कमांड्स के साथ साथ एड्रेसेस भी उन्होंने दिए होते हैं। जाहिर है अगर आपके पास एक नेटवर्क है या कोई एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपने वैल्यू को स्टोर करना है, तो वहाँ पर उसके एड्रेसेस भी होंगे लोकेशन के साथ, ठीक है, कि किस लोकेशन पे कौन सा एड्रेस है, वहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, आप तीन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो कोई एक प्रोसेस आपने किसी एक एड्रेस में स्टोर करना है ना, उसके लिए आप कोई ना कोई कमांड देंगे, ठीक है, तो उसमें कमांड भी होनी चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, और वो डाटा भी होना चाहिए जो आपने रीड या राइट करना है। फ्रॉम रजिस्टर्स आफ्टर कमांड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद जो आपने डाटा एंटर करना है, अगर उसको रीड करना है तो रीड की कमांड देंगे, अगर आपने राइट करना है तो राइट की कमांड देंगे। डाटा इन रजिस्टर्स, डाटा आउट रजिस्टर्स, यानी कि डाटा इन रजिस्टर्स का मतलब है वो रजिस्टर्स जिसमें डाटा इन किया जाता है, डाटा आउट रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स हैं जिसमें जिससे डाटा आउट किया जाता है, यानी कि लिया जाता है, ठीक है। स्टेटस रजिस्टर वो रजिस्टर जिसमें हमें स्टेटस का पता चलता है कि हमारी वर्किंग कहाँ पर पहुँची है, अगर हम रीड कर रहे हैं तो उस वो स्टेटस उसका रीड है, अगर हम राइट कर रहे हैं तो स्टेटस उसका क्या है, राइट। कंट्रोल रजिस्टर यानी कि उसको सक्सेसफुली एंड तक पहुँचाना, उस वर्किंग को अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसका वो कंट्रोल रजिस्टर के अंदर वो सारी वर्किंग परफॉर्म करेगा कि वो सक्सेसफुली रीड हो जाए, अगर हम राइट कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुली राइट हो जाए। टिपिकली 1 to 4 bytes और फाइफो बुफर। 1 to 4 bytes यानी कि इसमें रजिस्टर के अंदर जो वर्किंग होती है वो इसी स्पीड के साथ होती है, ठीक है, बाइट्स में। और साथ वो कह रहे हैं कि फाइफो बुफर, फाइफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले रजिस्टर के अंदर कमांड दाखिल होगी वही पहले जो है फुलफिल होगी, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। डिवाइसेस हैव एड्रेसेस यूज्ड बाय डायरेक्ट आईओ इंस्ट्रक्शंस, डिवाइसेस के कुछ ना कुछ एड्रेसेस होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। अब जब भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस वाले एड्रेस के ऊपर आप कौन सी चीज़ स्टोर करने जा रहे हैं। मेमोरी मैप्ड आईओ, अब इसमें क्या होता है कि डिवाइस डेटा एंड कमांड रजिस्टर्स मैप्ड टू प्रोसेसर एड्रेस स्पेस, डिवाइस का जो डाटा है और जो रजिस्टर्स की कमांड होती है, ठीक है, उनको मैप किया जाता है टू प्रोसेसर एड्रेस स्पेस, जगह को बचाने के लिए, ठीक है। यानी कि जिस वक्त आप मैपिंग करते हैं, मैपिंग होता है कोई दो चीज़ों को एक साथ मैच करना, मैप करना, तो वो ये कह रहा है कि जब आप डिवाइसेस को डाटा एंटर करने के लिए या रजिस्टर्स को कमांड एंटर करने के लिए मैप करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एड्रेस के स्पेस यानी कि वो थोड़ी कम यूज़ होती है, ठीक है। जब भी आप दो चीज़ों को मर्ज करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि एड्रेस स्पेस थोड़ी कम यूज़ होती है। ये भी मैं आगे आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस करती हूँ, स्पेशली फॉर लार्ज एड्रेस स्पेसिस, यानी कि अगर ज़्यादा एड्रेसेस हैं तो फिर आप क्या करते हैं, उनको इस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं कि वो ज़्यादा लार्ज नज़र ना आए, स्पेस बचाने के लिए हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखें डिवाइसेस, अच्छा जी, डिवाइसेस आईओ पोर्ट लोकेशंस ऑन पीसीस, इसमें हमारे पास क्या होता है कि आईओ एड्रेस रेंज, ये आपके पास एड्रेस की रेंज आ रही है और ये आपके पास डिवाइसेस आ रही हैं, मींस कि इससे यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में हमारे डीएमए कंट्रोलर होंगे, 020 से लेके 021 की रेंज में हमारे इंटरप्ट कंट्रोलर होंगे, ठीक है, 040 से लेके 043 के बीच में हमारे टाइमर होंगे, देन 200 से 20F तक गेम कंट्रोलर, इसी तरह ये आगे सारे वो डिस्कस कर रहे हैं, हार्ड डिस्क कंट्रोलर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ग्राफिक्स कंट्रोलर, डिस्क ड्राइव कंट्रोलर, सीरियल पोर्ट, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर रेंजेस बता रहे हैं, इन दोनों को आपने एक तौर पे माइनस करना होता है, तो आपको रेंज एड्रेस पता चल जाता है कि इसका एड्रेस क्या है, यानी कि इसके बीच में वैल्यू क्या आ रही है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से। देन आपके पास इंटरप्ट और पोलिंग का कंसेप्ट आता है। इंटरप्ट और पोलिंग क्या है? बेसिकली इंटरप्ट जो है ना वो होता है किसी चीज़ में मुदाखलत करना, रुकावट पैदा करना किसी काम के अंदर। तो अब हम इसमें कंपैरिजन देख लेते हैं। बेसिक कंपैरिजन क्या है कि डिवाइस नोटिफाई सीपीयू दैट इट नीड्स सीपीयू अटेंशन, यानी कि यहाँ पे डिवाइस को सीपीयू को ये बताना पड़ता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, समझ आ गई। यानी कि इंटरप्ट करना पड़ता है ना किसी, अगर कोई सीपीयू कुछ परफॉर्म कर रहा है कुछ फंक्शंस, ठीक है, मेरी बात को अब गौर से सुनिएगा। सीपीयू जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अब उसको उस फंक्शन के बीच में जाके बताया जाए कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि वो मुदाखलत की है उसने, ठीक है, इंटरप्शन की है उसने,
तो वही बात है कि इंटरप्ट में क्या होता है कि डिवाइस को सीपीयू को ये नोटिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है डेट आई इट नीड्स सीपीयू अटेंशन, कि उसे सीपीयू की अटेंशन चाहिए, जबकि पोलिंग में ऐसा नहीं होता। सीपीयू कॉन्स्टेंटली चेक डिवाइस स्टेटस वेदर इट नीड्स सीपीयू अटेंशन, यानी कि सीपीयू खुद ही डिवाइसेस को चेक करता रहता है कि किसको मेरी ज़रूरत है। ठीक है, इंटरप्ट में ये होता था कि डिवाइस को सीपीयू को जाके बताना पड़ता था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जबकि पोलिंग में सीपीयू खुद चेक करता है कि मेरी किस डिवाइस को मेरी ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म का क्या डिफरेंस है? एन इंटरप्ट इज़ अ हार्डवेयर मैकेनिज्म। इंटरप्ट क्या है? हार्डवेयर एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि पोलिंग का एक प्रोटोकॉल है। सर्विसिंग की बात करें तो इंटरप्ट हैंडलर सर्विसेज द डिवाइस, यानी कि इंटरप्ट हैंडलर जो है वो डिवाइस की सर्विसेज को चेक करता है, जबकि सीपीयू सर्विसेज द डिवाइस। ठीक है, यानी कि इंटरप्ट में इंटरप्ट हैंडलर सर्विसेज देता है और पोलिंग में सीपीयू खुद सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिवाइस को। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेशन आ जाता है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इंडिकेट्स डैट डिवाइस नीड्स सर्विसिंग। इंडिकेटर का वर्ड सुना है ना आप लोगों ने? इंडिकेटर क्या होता है? इशारा देने वाला किसी चीज़ का, इंडिकेटर। ठीक है, तो वहीं से इस लफ्ज़ की भी काफ़ी मीनिंग है कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इंडिकेट्स डैट डिवाइस नीड्स सर्विसिंग, यानी कि इंटरप्ट एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि डिवाइस को सर्विस की ज़रूरत है। जबकि पोलिंग में क्या होता है कि कमांड्स रेड बिट इंडिकेट्स द डिवाइस नीड सर्विसिंग, कमांड्स के थ्रू उनको बताया जाता है कि डिवाइस को सर्विस की ज़रूरत है। यहाँ पर इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, यहाँ पर कमांड बताता है। सीपीयू में क्या होता है? इंटरप्ट में सीपीयू की किस तरह से वर्किंग होती है? सीपीयू इज़ डिस्टर्ब ओनली व्हेन अ डिवाइस नीड सर्विसिंग। अभी मैंने आप लोगों को जब पहले में बताया था कि जब सीपीयू कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, तो कई डिवाइस उसे नोटिफाई करे जाके बताए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो वो इंटरप्ट होगा ना। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि सीपीयू तब ही डिस्टर्ब होता है जब उसे कोई डिवाइस बताए कि मुझे सर्विसेज चाहिए, विच सेव्स सीपीयू साइकिल्स, जो कि सीपीयू के चक्कर। साइकिल्स क्या होते हैं? चक्कर, यानी कि कितने कितने मूवमेंट्स के अंदर उसने कोई एक टास्क परफॉर्म किया। और पोलिंग में क्या होता है कि सीपीयू हैज़ टू वेट, सीपीयू इंतज़ार करता है एंड चेक वेदर अ डिवाइस नीड सर्विसेज विच वेस्ट लॉट्स ऑफ सीपीयू साइकिल्स। यहाँ पर यह होता है कि जैसे ही उस मतलब उसके साइकिल बचते हैं, यानी कि उसके चक्कर बचते हैं, उसे खुद ही पता चल जाता है कि इसको ये चाहिए, तो वो उसको डिस्टर्ब करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे सर्विसेज चाहिए, तो मुझे अवेलेबल मिलो। ठीक है, लेकिन पोलिंग में क्या होता है कि सीपीयू खुद इंतज़ार करता है, चेक करता रहता है कि किस डिवाइस को मेरी ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी टाइम वेट करता है। अब हर डिवाइस को हर वक्त तो नहीं सीपीयू की ज़रूरत होती, तो इसलिए वो वेट करेगा खुद, और पोलिंग में वो खुद ही चेक करेगा कि किस डिवाइस को मेरी ज़रूरत है। देन अकरेंस, अकरेंस होता है किसी का होना, अक्कड़ होना। ठीक है, एन इंटरप्ट कैन अकर एट एनी टाइम। इंटरप्ट जो है वो किसी भी वक्त अक्कर हो सकता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में किसी भी वक्त कोई भी इंटरप्शन कर सकता है, कि कोई भी उस काम के अंदर मुदाखलत कर सकता है, जबकि पोलिंग में ऐसा नहीं होता। सीपीयू पोल्स द डिवाइस एट रेगुलर इंटरवल। सीपीयू जो है वो डिवाइसेस को रेगुलर तौर पर ही डील करता है, यानी कि अगर उसने कहा है कि 30 मिनट्स का कोई टास्क परफॉर्म वो कर रहा है, तो आफ्टर 30 मिनट ही वो उसको जाके कुछ कहेगा या उसको नेक्स्ट एक्टिविटी देगा, तो वो बीच में मुदाखलत नहीं होता इसमें पोलिंग में। एफिशिएंसी होती है किसी काम को बखूबी करना, एक काम जो है वो कितना एफिशिएंट तरीके से किया गया है। इंटरप्ट बिकम्स इन एफिशिएंट, इंटरप्ट जो है वो इन एफिशिएंट होता है, यानी कि उसमें एफिशिएंसी नहीं होती। व्हेन डिवाइसेस कीप ऑन इंटरप्टिंग द सीपीयू रिपीटेडली। अब देखिए ना, जब डिवाइसेस बार बार सीपीयू को इंटरप्ट करेंगी, बार बार उसके काम में मुदाखलत करेंगी, तो सिस्टम कैसे इनएफिशिएंट रहेगा, सॉरी एफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो जब मुदाखलत होती है बार बार, तो सिस्टम या वर्किंग क्या हो जाती है? इनएफिशिएंट। और पोलिंग में क्या होता है कि पोलिंग बिकम्स इनएफिशिएंट व्हेन सीपीयू रेयरली फाइंड्स अ डिवाइस रेडी फॉर सर्विस। इनएफिशिएंट अब कब होता है पोलिंग में? जिस वक्त सीपीयू को किसी एक सर्विस की अचानक से ज़रूरत पड़ जाए और वो उस काम के लिए रेडी भी हो जाए। ठीक है, पोलिंग बिकम्स इनएफिशिएंट व्हेन सीपीयू रेडीली फाइंड्स अ डिवाइस रेडी फॉर सर्विस। अब सीपीयू को अगर फ़ौरन से ही कोई डिवाइस मिल जाती है, उसको वेट भी नहीं करना पड़ा, उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, तो तब वो क्या होगी? इनएफिशिएंट हो जाएगी। एफिशिएंट वो तब होगी जिस वक्त उसके पास सर्विसेज भी हों, उसके पास एक्टिविटीज़ भी हों, वो रेगुलरली उसके ऊपर वर्किंग करती रहे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लेट द बेल रिंग देन ओपन द डोर।
अगर कोई आपके दरवाजे की घंटी बजाएगा टू चेक हु हैज कम, तब आप दरवाजे को खोलेंगे ये देखने के लिए कि कौन आया है, ठीक है। अगर कोई बेल दरवाजे की घंटी बजाएगा तभी आप जाके दरवाजा खोलेंगे ना, पहले तो नहीं खोलेंगे। और जब आप दरवाजा खोलेंगे, क्यों आप दरवाजा खोलेंगे, ये देखने के लिए कि कौन आया है, किसने घर की जो बेल है वो बजाई है। जबकि पोलिंग में क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली कीप ऑन ओपनिंग द डोर, यानी कि हर वक्त दरवाजा खुला रखना टू चेक वेदर एनीबॉडी हैज कम, ये देखने के लिए कि कब कौन आने वाला है, ठीक है। इंटरप्ट में क्या होता है कि आप दरवाजे की बेल बजेगी तो ही आप दरवाजे पे जाके देखेंगे कि भाई कौन आया है, जबकि पोलिंग में ऑलरेडी आप अवेलेबल होते हैं, आप पहले से ही दरवाजा खोल के खड़े होते हैं भाई कोई ना कोई आने वाला है, ठीक है। यानी कि एडवांस में किसी चीज़ का रेडी रहना किसी काम के लिए। देन मज़ीद इंटरप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरप्ट मैकेनिज्म आल्सो यूज्ड फॉर एक्सेप्शंस, टर्मिनेट प्रोसेस, क्रैश सिस्टम ड्यू टू हार्डवेयर एरर। टर्मिनेट होता है किसी प्रोसेस का ख़त्म हो जाना, रुक जाना बीच में या ख़त्म ही हो जाना, ठीक है। क्रैश सिस्टम किसी सिस्टम का ख़राब होना ड्यू टू हार्डवेयर एरर। अब अगर कोई हार्डवेयर एरर है जिसकी वजह से प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर गया है या सिस्टम क्रैश हो गया है, ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे, इंटरप्शन। पेज फॉल्ट एग्जीक्यूट्स व्हेन मेमोरी एक्सेस एरर, जब मेमोरी की एक्सेस में कोई एरर आएगा तो पेज फॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि मेमोरी में अगर आप कोई वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं एरर आ गया तो आपकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट्स वाया ट्रैप टू ट्रिगर कर्नल टू एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट। सिस्टम कॉल क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कुछ स्टेटमेंट्स को, ट्रैप के सिग्नल को कि आपका जो कर्नल है वो ट्रिगर, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, टू एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट, तो अब हम इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो जब भी वहाँ पर कोई एरर आएगा तो वो बीच में इंटरप्ट करके कहेगा कि ये एरर आ गया, इसको आप ट्रैप कर दें, इसको आप रोक दें और हम ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं। देन मल्टी सीपीयू सिस्टम्स कैन प्रोसेस इंटरप्ट्स कंकरेंटली। उसके बाद जो ज़्यादा सीपीयू सिस्टम्स होते हैं वो इंटरप्ट करते हैं बार बार, यानी कि अब देखें अगर एक सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, दो सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, जब ज़्यादा सिस्टम वर्क करेंगे तो फिर इंटरप्शन भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एक सिस्टम को अगर कोई चीज़ चाहिए दूसरे को भी कोई चीज़ चाहिए, तो वो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लें, एक क्लास है, एक क्लास में एक बच्चा बैठा है उसे पानी पीना है, दूसरा बच्चा भी बैठा हुआ है, तीसरा बच्चा भी बैठा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सारों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो जब सारे के सारे इंटरप्शन करेंगे लेक्चर के दरमियान में, कोई पानी मांगेगा कोई कुछ कहेगा, ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स थे तो इंटरप्शन भी कितनी हुई है, मल्टीपल। बात समझ आई। इफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू हैंडल इट, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इसको हैंडल करने के लिए, यानी कि एक ट्यूटर है क्लास में, मल्टीपल स्टूडेंट्स थे, मल्टीपल टाइप के इंटरप्शन की, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक टीचर था जो कि डिज़ाइन किया गया इन्हें हैंडल करने के लिए, यानी कि एक टीचर है जो आपके ऊपर जो है वो हायर किया गया कि वो आपको हैंडल करे, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरप्शन करते हैं क्लास में, मुदाखलत करते हैं एक दूसरे की बातों में या लेक्चर के दरमियान, तो फिर एक टीचर ही उन्हें हैंडल करता है। इसी तरह अगर किसी सिस्टम के अंदर कुछ सीपीयू की वर्किंग के अंदर कुछ प्रोसेसेस जो है वो इंटरप्ट करें तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। यूज्ड फॉर टाइम सेंसिटिव प्रोसेसिंग, यानी कि टाइम अगर शॉर्ट है आपको वो प्रोसेसिंग उसी वक्त डन चाहिए, तब वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट मस्ट बी फास्ट, ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे आपको किसी प्रोसेस को अर्जेंट नीड है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को उस वहाँ पर आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे जो कि उस सिचुएशन को हैंडल करेगा और आपका जो काम है वो फास्टली आपका एंड तक चला जाएगा, यानी कि वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है कि यूज टू अवॉइड प्रोग्राम्ड आईओ फॉर लार्ज डाटा मूवमेंट। यूज टू अवॉइड यानी कि हम लोगों को अवॉइड करना है प्रोग्राम्ड आईओ, प्रोग्राम्ड की इनपुट आउटपुट 1 byte एट अ टाइम फॉर लार्ज डाटा मूवमेंट। अगर ज़्यादा लार्ज डाटा है तो हमें उसकी एक्सेस की स्पीड भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्स DMA कंट्रोलर। DMA क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज़ करना है तो उसके साथ हमें उसका कंट्रोलर भी चाहिए होगा। बायपासिस CPU टू ट्रांसफर डाटा डायरेक्टली बिटवीन IO डिवाइसेज एंड मेमोरी। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से क्या होगा कि डाटा जो है वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। बायपासिस CPU टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली बिटवीन IO डिवाइस एंड मेमोरी, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को यूज़ करने से हम लोग डाटा को डिफरेंट मेमोरी में, यानी कि डिवाइस से मेमोरी में, मेमोरी से डिवाइस में इजीली और जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं।
देन हमारे पास क्या होता है, ओ एस राइट्स डीएमए कमांड ब्लॉक इनटू मेमोरी। ओ एस क्या करता है, हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की कुछ कमांड्स होती हैं जो कि वो मेमोरी को देता है, लाइक सोर्स एंड डिस्टिनेशन एड्रेसेस। सोर्स एड्रेस वो होता है जहाँ से कोई सिस्टम यूज़ होता है, और डिस्टिनेशन एड्रेस वो होता है जहाँ पर हमने किसी चीज़ को अख्ताम करना है, मीन्स कि आपने कोई वर्किंग परफॉर्म करनी है, उसमें क्या है कि एक सोर्स है जहाँ से उसकी वर्किंग को आपने स्टार्ट करना है, और डिस्टिनेशन है जहाँ पर आपने उसको एंड करना है। एड्रेसेस के बारे में अगर हम बात करें तो एक एड्रेस है अगर ज़ीरो, एक वैल्यू आपने ज़ीरो एड्रेस पे पुट कर दी है, तो डिस्टिनेशन वो क्या होगा, ज़ीरो उसका सोर्स एड्रेस होगा। अब उसका डिस्टिनेशन एड्रेस होता है, फर्स्ट करें 10, यहाँ पर आपने ज़ीरो लिखा, यहाँ पर आपने 10 लिखा, ठीक है, तो ज़ीरो क्या है उसका सोर्स एड्रेस और 10 क्या है उसका डिस्टिनेशन एड्रेस। उसने ज़ीरो से लेकर 10 तक का सफ़र करना है, ठीक है। रीड और राइट मोड, अगर आपने स्टेटमेंट्स को रीड करना है तो रीड मोड यूज़ होगा, अगर राइट करना है तो राइट मोड यूज़ होगा। काउंट ऑफ बाइट्स यानी कि काउंट को बेसिकली सी भी बोलते हैं हम, काउंट ऑफ बाइट्स यानी कि उसके स्पीड को देखना कि वो कितने बाइट्स है और उसकी काउंटिंग, ठीक है। राइट्स लोकेशन ऑफ कमांड ब्लॉक टू डीएमए कंट्रोलर, उसके बाद आपने लोकेशन डालनी होती है डीएमए कंट्रोलर में, जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है कमांड्स के थ्रू। बस मास्टरिंग ऑफ डीएमए कंट्रोलर ग्रैब्स बस फ्रॉम सीपीयू, साइकिल स्टीलिंग फ्रॉम सीपीयू बट स्टिल मच मोर एफिशियंट। साइकिल स्टीलिंग क्या है, उसका किसी एक चीज़ के लिए चक्कर लगाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह होके उसी चीज़ को अचीव करने के लिए वापस आना, ठीक है। ये अक्सर आप लोगों ने साइकिल का वर्ड यूज़ किया होगा कि कितने साइकिल्स में, जिस तरह एक घड़ी है, घड़ी में क्या होता है घंटा कैसे पूरा होता है, एक साइकिल फिर 12 बजे फिर दोबारा साइकिल होता है तो फिर 12 o'clock, ठीक है। तो वो एक साइकिल जो है वो एक आवर के बराबर होता है। इसी तरह वो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास साइकिल की स्टीलिंग होती है, आप डिफरेंट साइकिल्स को यूज़ करके बार बार उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। व्हेन डन, जब आपकी वर्किंग पूरी हो जाती है, इंटरप्ट टू सिग्नल कंप्लीशन, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सिग्नल दे देते हैं कि अब हमारी कंप्लीशन, अब हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन हमारी परफॉर्म हो चुकी है। वर्जन डैट इज़ अवेयर ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस कैन बी इवन मोर एफिशियंट डीवीएमए, ठीक है। वर्जन वो जो कि अवेयर होता है वर्चुअल एड्रेसेस से, वो एड्रेसेस जो कि आपने दिए होते हैं, ठीक है, जिस पे आपने वर्किंग करनी होती है, उन एड्रेसेस में वो मोर एफिशिएंटली वर्क करता है। लेकिन जब भी आपने किसी सिस्टम के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर वैल्यूज़ को एंटर करना है ना, तो आपने ध्यान करना है कि कौन से एड्रेस पे जाके आपने उसको स्टोर करवाना है, तो उसी एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। ये अब एक ना स्टेप्स हैं, आपके पास 6 स्टेप्स हैं टू परफॉर्म डीएमए ट्रांसफ़र। डीएमए को ट्रांसफ़र करने के जो 6 स्टेप्स हैं ना, वो देखें आप। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, डिवाइस ड्राइवर बताता है टू ट्रांसफ़र डिस्क डाटा, कि वो डिस्क डाटा को ट्रांसफ़र करे टू बुफर एट एड्रेस एक्स। एड्रेस एक्स पे आपका कोई एक डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, बात सुननी अब ध्यान से। यहाँ पे एड्रेस एक्स पे क्या है, कोई एक डाटा पड़ा हुआ है। डिवाइस ड्राइवर बताता है कि उसने एक्स एड्रेस से डाटा को लेना है और उसको ट्रांसफ़र करना है बुफर के अंदर, ठीक है। ये इसका पहला स्टेप था, क्या करना है उसने, डिवाइस ड्राइवर ये बताता है कि उसने एड्रेस एक्स से डाटा को उठाना है और उसे ट्रांसफ़र करना है बुफर के अंदर। स्टेप टू क्या कहता है कि डिवाइस ड्राइवर टेल्स डिस्क कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइवर किसको बताएगा, डिस्क कंट्रोलर को, कि वो ट्रांसफ़र करे सी बाइट्स यानी कि काउंटर बाइट्स फ्रॉम डिस्क टू बुफर एट एड्रेस एक्स, यानी कि एड्रेस एक्स पे जो बाइट्स पड़े हुए हैं उनको वो डिस्क से बुफर में ट्रांसफ़र करे। ये इसका क्या हो गया पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब हम उसके बाद ये इंटरप्शन कॉल हुई, ठीक है, इंटरप्शन के बाद आपके पास तीसरा स्टेप क्या आ गया, डिस्क कंट्रोलर इनिशिएट्स डीएमए ट्रांसफ़र। जो डिस्क को कंट्रोल कर रहा है ना डिस्क कंट्रोलर, वो क्या हमें इनिशिएट करवाएगा, डीएमए ट्रांसफ़र, यानी कि डीएमए की ट्रांसफ़र किस वक्त, कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, वो कंट्रोलर हमें बताएगा, क्योंकि उसी ने सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है ना। फोर्थ पे हमारे पास आता है कि डिस्क कंट्रोलर सेंड्स ईच बाइट टू डीएमए कंट्रोलर। डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, हर बाइट को कहाँ पे सेंड करेगा, कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि वही सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसी को, यानी कि डिस्क कंट्रोलर डीएमए कंट्रोलर को सारा कुछ सेंड करेगा।
उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर बाइट्स टू बफर एक्स। आगे से डीएमए कंट्रोलर, देखें डिस्क कंट्रोलर ने सब कुछ डीएमए कंट्रोलर को दे दिया, अब डीएमए कंट्रोलर के पास सब कुछ आ गया ना, उसने क्या करना है, उसने इन्हीं बाइट्स को ट्रांसफर करना है बुफर एक्स में। क्यों? इंक्रीजिंग मेमोरी एड्रेस एंड डिक्रीजिंग सी, मेमोरी के एड्रेस को इंक्रीज करने के लिए और काउंटर को डिक्रीज करने के लिए। अब ये वर्किंग तब तक परफॉर्म होती रहेगी जब तक कि काउंटर की वैल्यू जीरो ना हो जाए। जैसे ही काउंटर की वैल्यू जीरो होगी, प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगी। वेन सी इज इक्वल टू जीरो, जब काउंटर की वैल्यू जीरो होगी, डीएमए इंटरप्ट सीपीयू, तब डीएमए जो है वो मुदाहलत करेगा सीपीयू में टू सिग्नल ट्रांसफर कंप्लीशन, कि अब वो कंप्लीशन, अब वो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दे। बात समझ आ गई? ये इसके 6 स्टेप्स थे कि किस तरह से वो पहले डिवाइस जो है वो डिवाइस कंट्रोलर को, डिस्क कंट्रोलर को बताएगा, फिर डिस्क कंट्रोलर डीएमए ट्रांसफर में जाके डाटा को इनिशिएट करेगा, फिर डिस्क कंट्रोलर जो है वो डीएमए कंट्रोलर में डालेगा डाटा, फिर डीएमए कंट्रोलर जो है वो बुफर में डालेगा। क्यों? मेमोरी एड्रेसेस को इंक्रीज करने के लिए और काउंटर की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए। और उसके बाद डीएमए जो है वो इंटरप्ट करेगा सीपीयू को कि उसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके पास सीपीयू था, ये कैश मेमोरी थी जो कि थोड़ी देर के लिए जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, सीपीयू मेमोरी बस था। उसके बाद सीपीयू इंटरप्शन, यहाँ पर इंटरप्शन कॉल हुई थी, मेमोरी बुफर, इसमें मेमोरी में वो चीज़ पड़ी हुई थी एक्स के अंदर जहाँ से उसने बुफर के अंदर डाली थी, ठीक है। और ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर के साथ डिस्क अटैच है। देन हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस। एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस में हमारे पास क्या आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ आईओ इज डेड, वी कैन से इंटरफेस हैव एक्सेस टू ओपन एनी फाइल विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल। मींस कि अगर आपने किसी एक फाइल को ओपन करना है और उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस फाइल की वर्किंग क्या है या इस फाइल का नेम क्या है, ठीक है, तो आप फिर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट नोइंग विदाउट नोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, ठीक है। इवन बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल इज अननोन, बेशक उसकी हर तरह की इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी की इंफॉर्मेशन है ना, वो भी अगर हाइड है, वो भी आपको नहीं पता, तो भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इट आल्सो हैज़ फीचर डैट इट कैन बी यूज्ड टू आल्सो ऐड न्यू डिवाइसेस टू कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका ये भी एक फ़ायदा है कि आप इसमें नई कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नई डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। इवन इट डज़ नॉट काज एनी काइंड ऑफ इंटरप्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि इसने ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी तरह की कोई इंटरप्शन परफॉर्म नहीं की होती, ठीक है। एप्लीकेशन आईओ में कोई इंटरप्शन परफॉर्म नहीं होती। इट कैन आल्सो यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंसेस इन आईओ डिवाइसेस। अब वो क्या करता है कि डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को भी यूज़ करता है बाय आइडेंटिफाइंग जनरल काइंड्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वो डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करेगा। द एक्सेस टू ईच ऑफ जनरल काइंड इज थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ फंक्शन विच इज कॉल्ड इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या है कि किसी एक प्रोसेस के लिए, किसी एक फंक्शन के लिए, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का इंतखाब करें, ठीक है, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। यानी कि जौन सी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है ना, उसके लिए आपने कोई उसी से रिलेटेड फंक्शन यूज़ करना है जिससे वो एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, ठीक है। ऐसे कलेक्शन को, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस जी। अब हमारे पास एक कर्नल का स्ट्रक्चर आया, कर्नल इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। इसमें ये आपके पास कर्नल है और ये आपके पास कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स है, ठीक है। ये ऊपर वाला ये जो सारा पार्ट है ना आपके पास, समझें ये आपका सॉफ्टवेयर है और ये नीचे वाला सारा का सारा पार्ट क्या है, आपका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, और हार्डवेयर में आपके पास क्या होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। मीन्स कि सॉफ्टवेयर में हमेशा आपने याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन होगा उस पर हमारे पास ड्राइवर होंगे, और जो हार्डवेयर वाला हमारा सेक्शन होगा उसमें हमारे पास कंट्रोलर होंगे। अब ये कंट्रोलर इस डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोलर इस डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोलर इस डिवाइस को, ठीक है। इसी तरह ये कंट्रोलर इस डिवाइस को, ये इसको, ये इसको। इसका मतलब है कि एक कंट्रोलर जो है वो पर टाइम एक ही डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी कि किस तरह से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं। अब ये देखें ना, ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर इसको कंट्रोल कर रहा है, ये वाला ड्राइवर इस कंट्रोलर को कंट्रोल कर रहा है, और ये कंट्रोलर आगे से इस कीबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है। माउस डिवाइस ड्राइवर क्या कर रहा है, माउस की डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, और माउस डिवाइस कंट्रोलर के अंदर क्या है हमारे पास, माउस, क्लियर। इसी तरह बस ड्राइवर क्या करेगा, बस को कंट्रोल करेगा, और बस में हमारे पास क्या आ जाता है, पीसीआई बसेस आ जाती हैं।
फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर है तो वो फ्लॉपी डिवाइस को ही कंट्रोल करेगा, और फ्लॉपी डिवाइस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स आ जाती हैं जिसमें आप लोग डाटा स्टोर करते हैं अपना, ठीक है। इसी तरह ये भी। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं आईओ डिवाइसेस की, कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं ना तो हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स ज़रूर डिस्कस करते हैं। अच्छा, एस्पेक्ट, डेटा ट्रांसफ़र मोड। डेटा ट्रांसफ़र मोड में हमारे पास दो तरह की वेरिएशंस आ जाती हैं, करेक्टर बाय करेक्टर और ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है। करेक्टर बाय करेक्टर के अंदर भी हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एज अ ब्लॉक भी हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, करेक्टर में एग्जांपल आ जाती है हमारे पास टर्मिनल की, और ब्लॉक में एग्जांपल आ जाती है हमारे पास डिस्क की। यानी कि डेटा ट्रांसफ़र जो है वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, करेक्टर बाय करेक्टर भी और ब्लॉक बाय ब्लॉक भी। एक्सेस मेथड हमारे पास क्या है, सिक्वेंशियली और रैंडम। सिक्वेंशियली होता है जब पता हो कि किसी एक जगह पे ही हमने एक्सेस करना है डाटा को, जैसे कि मॉडम। और रैंडम होता है कि रैंडमली बैठे बिठाए किसी भी चीज़ में से आपने एक्सेस कर लिया डाटा, ठीक है। यानी कि समझे कि मैंने डाटा कलेक्ट करना है, तो पहले सिक्वेंशियल में मैं ये सोच लूँगी कि मैंने इस स्कूल के इस रूम में जाकर डाटा कलेक्ट करना है। लेकिन रैंडम में ऐसा नहीं होता, रैंडम में आप कोई भी काम कर रहे हैं, अचानक से आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप वहीं पे बैठ के कहते हैं चले जी मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देती हूँ, मैं इसका डाटा रैंडमली इकट्ठा करूँगी। यानी कि आपने खुद भी नहीं सोचा होता कि मैंने ये डाटा कहाँ से लेना है, रैंडमली बस आप उसको एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि सीडी रोम। ट्रांसफर्स कैजुअल, ट्रांसफर्स कैजुअल में हमारे पास सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस आ जाता है। यानी कि टाइम, यहाँ पर आपके पास टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। कि स्केड्यूल होता है एक पूरा शेड्यूल बनाना कि कहाँ पर हमने कौन सी वाली वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो सिंक्रोनस में अगर आप कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो एक टास्क ही परफॉर्म करेंगे, जबकि एसिंक्रोनस में आप मल्टीपल टास्क, मीन्स कि एक टाइम के अंदर, यानी कि आपने कोई एक टाइम दिया है, आपने क्या सिंक्रोनियस में उस एक टाइम में ही डाटा को ट्रांसफ़र किया जाए तो वो एक टाइम में एक ही डाटा ट्रांसफ़र होगा, जबकि एसिंक्रोनियस में आप मज़ीद डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मज़ीद शेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेप और कीबोर्ड। शेयरिंग में क्या होता है, डेडिकेटेड और शेयरेबल। डेडिकेटेड होता है जिसको आप इजीली शेयर ना कर सकते हैं, लेकिन शेयरेबल में हम लोग प्रॉपरली एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। डिवाइस की स्पीड में हमारे पास क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं, लेटेंसी, सीक टाइम, ट्रांसफ़र रेट, डिले। यानी कि लेटेंसी होता है किसी चीज़ की स्पीड को इन्हेंस करना, देखना कि उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, पता करना कि स्पीड है कितनी। सीक टाइम होता है ये देखना कि उसकी स्पीड तो इतनी है, हमें वर्किंग के लिए कितनी स्पीड चाहिए। उसके बाद ट्रांसफ़र रेट होता है कि इस एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करने के बीच में जो टाइम मैनेजमेंट होती है, कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होने में, ठीक है, वो उसका ट्रांसफ़र रेट होता है। और डिले बिटवीन ऑपरेशंस, यानी कि आपने अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करनी है तो वो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना, एक वर्किंग परफॉर्म हो रही है, उसमें कितना डिले आ रहा है, कितनी लेट हो रही है उस वर्किंग के अंदर। देन हमारे पास आई ओ डायरेक्शंस आ जाती हैं। डायरेक्शंस में रीड ओनली, जैसे कि सी डी रोम, यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। राइट ओनली यानी कि ग्राफिक्स कंट्रोलर, ग्राफिक्स कंट्रोलर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वहाँ पर आप राइटिंग करेंगे, यानी कि अगर आपने किसी भी चीज़ के अंदर कुछ एडिशन राइट करना है या कुछ एडिटिंग करनी है तो आप उसमें राइट का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। और रीड राइट कहाँ पर होता है, हमारे पास डिस्क के ऊपर। ये हमारे पास आईओ डिवाइस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी कि वो डाटा भी ट्रांसफ़र करते हैं, मेथड्स को भी एक्सेस करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र का स्केड्यूल भी उनके पास होता है, शेयरिंग भी होती है, स्पीड भी होती है और डायरेक्शंस भी होती हैं। अब हमारे पास आ जाता है ब्लॉक एंड करेक्टर डिवाइसेस, यानी कि ब्लॉक डिवाइसेस क्या हैं और करेक्टर डिवाइसेस क्या हैं। ब्लॉक डिवाइसेस इंक्लूड डिस्क ड्राइव्स, इसमें हमारे पास डिस्क ड्राइव्स आ जाते हैं। कमांड्स इंक्लूड रीड, राइट, सीक। अब कमांड्स में आपके पास रीड की भी है, राइट की भी है, सीक की भी है, आप जो सा फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो उसकी आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। रॉ आईओ, डायरेक्ट आईओ और फाइल सिस्टम एक्सेस, ठीक है। रॉ आईओ है कि जिसमें इनडायरेक्टली आपने एक्सेस करना है अपने प्रोसेस को। डायरेक्ट आईओ में डायरेक्टली आप अपने प्रोसेस को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम एक्सेस, और फाइल सिस्टम है जिसमें आपका पूरा डाटा पड़ा हुआ है, मींस के एक फ़ाइल है उसमें से आपने कुछ डाटा उठाना है तो वो आपको पूरी की पूरी फाइल चेक करनी पड़ेगी और उसमें से फिर आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है।
देन हमारे पास क्या आ जाता है, मेमोरी मैप्ड फाइल एक्सेस पॉसिबल, यानी कि मेमोरी मैप्ड फाइल डिफरेंट मेमोरीज की जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर आपको 3 4 फाइल्स चाहिए उनको आप मैप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रोसेस को पॉसिबली आप जिस किस प्रोसेस के ऊपर पॉसिबली आप वर्क कर सकते हैं। फाइल मैप्ड टू वर्चुअल मेमोरी एंड क्लस्टर्स बॉट वाया डिमांड पेजिंग। अब देखिए डिमांड पेजिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, यानी कि एक या दो चीज़ें आपको अगर चाहिए तो वो जिन दो पेजेस में आपको मिलेंगी आपने उन दो को ही उठा के मैप करना है, ताकि जो काम आप खुद परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप सक्सेसफुली परफॉर्म कर लें। करेक्टर डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड माइस सीरियल पोर्ट्स, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, करेक्टर डिवाइसेस भी इन्हें कहते हैं। कीबोर्ड भी आप हाथ में यूज़ कर सकते हैं, माउस यानी माइस, ठीक है, ये जो माउस होता है। सीरियल पोर्ट्स जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को। कमांड्स इंक्लूड गेट एंड पुट। अब ये दो कमांड्स हैं, गेट तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ गेट करनी होती है, ठीक है, यानी कि जब भी हमें कोई चीज़ गेट करनी होती है तो हम गेट कमांड यूज़ करते हैं। गेट होता है किसी चीज़ को हासिल करना, जब हमें कुछ चाहिए तो हम गेट कमांड यूज़ करेंगे, और जब हमने कोई चीज़ किसी के अंदर डालनी है तो हम पुट कमांड यूज़ करते हैं। लाइक आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है ए की, ए इज़ इक्वल टू टू, अब आप गेट कमांड यूज़ करेंगे तो यूज़र आपको क्या दे देगा, टू या थ्री या फोर, जो भी यूज़र देना चाह रहा है, और जब आप उसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। लाइब्रेरीज लेयर्ड ऑन टॉप लो लाइन एडिटिंग, और आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं। अगर रीड करना चाह रहे हैं फिर तो आप एडिटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप राइट करना चाह रहे हैं किसी भी काम के अंदर तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप या तो कुछ रिमूव करके एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है, या फिर जो लिखा हुआ है उसके साथ मज़ीद एडिशन कर देंगे, कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं, वरिंग इनफ फ्रॉम ब्लॉक एंड करेक्टर टू हैव ओन इंटरफेस। आपके पास कुछ ब्लॉक होंगे और कुछ करेक्टर होंगे, ठीक है, एक इंटरफेस के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने करना क्या है, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ करनी है जो कि लिनक्स यूनिक्स विंडोज़, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेज हैं आपके पास। एंड मैनी अदर इंक्लूड सॉकेट इंटरफेस, ठीक है, आप इन डिवाइसेस को यूज़ करेंगे। सेपरेट्स नेटवर्क प्रोटोकॉल फ्रॉम नेटवर्क ऑपरेशन, अगर आपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह इंक्लूड सेलेक्ट फंक्शनैलिटी, देखिए अब अगर आपने किसी काम को की सिलेक्शन करनी है किसी भी एक चीज़ को, तो आपने फंक्शन आपको क्या चाहिए, सेलेक्ट का, आप सेलेक्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे तभी आप जो है वो एक या दो चीज़ों के अंदर से सिलेक्शन कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अप्रोचेज वेरी वाइडली, पाइप्स फाइफो स्टेम्स क्यूज मेल बॉक्सेस, ठीक है, ये कुछ अप्रोचेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। पाइप्स यूज़ कर सकते हैं, फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्टेटमेंट, स्ट्रीम्स क्यूज मेल बॉक्सेस, क्यूज वो होती हैं जिसमें पेंडिंग कोई चीज़ पड़ी हो, ठीक है, एक तो हो गया ना फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू हो जाएगा हमारे पास लाइफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आया है लेकिन पहले बाय की तरफ मूव कर जाएगा। क्लॉक्स एंड टाइमर्स, क्लॉक्स एंड टाइमर्स क्या होते हैं आपके पास, क्लॉक्स तो आपको पता है घड़ी, ठीक है, और टाइमर्स क्या होते हैं, घड़ी के अंदर जो वक्त चल रहा है उसको टाइमर कहते हैं। प्रोवाइड करंट टाइम, ये आपको क्या करता है, जो अभी आप जिस प्रोसेस को भी जिस वक्त पे भी आप उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो उसका करंट टाइम आपको बताएगा, ठीक है, कि अभी क्या वक्त हुआ है। एलैप्स्ड टाइम यानी कि आपको वो टाइम बताएगा जिस पे आपने अख्ताम करना है किसी वर्क का, ठीक है, और टाइमर यानी कि कितना टाइम हो गया है आपको ये वर्किंग परफॉर्म करते हुए और कितना टाइम आपके पास बाकी रिमेनिंग रह गया है, ठीक है। अक्सर हम टाइमर चलाते हैं ना, जैसे ही 100 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 100 से लोग काउंटिंग नहीं करते, 10 पे आके काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं 10 9 8 7, ठीक है, वो होता है कि आपने टाइमर स्टार्ट कर दिया अख्ताम के लिए। नॉर्मल रिजोल्यूशन अबाउट 160 सेकेंड, यानी कि जो नॉर्मल रिजोल्यूशन होती है वो 1 आवर एंड 60 सेकेंड्स की होती है, 1 घंटा 60 मिनट, ठीक है। सम सिस्टम्स प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन टाइमर्स, कुछ सिस्टम जो है वो हाई रिजोल्यूशन टाइमर्स होते हैं यानी कि ज़्यादा रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर यूज फॉर टाइमिंग्स पीरियोडिक इंटरप्ट्स, प्रोग्रामेबल जो इंटरवल होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइमिंग्स, यानी कि करंट टाइम भी, लैप्स्ड टाइम भी, टाइमर भी, पीरियडिक इंटरप्ट्स किसी भी चीज़ को इंटरप्ट करने के लिए। अच्छा, 1 अक्टूबर ऑन यूनिक्स कवर्स, यानी ये OCT आप इसको कह दें कि अगर आपने कोई डेट दी है किसी मंथ की, ठीक है, कोई एक मंथ है उसकी आपने यकम डेट दे दिया, ऑन यूनिक्स कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ IO सच एज क्लॉक्स एंड टाइमर्स, तो उसमें सारी की सारी डिटेल मौजूद होगी कि इसमें
क्या क्लॉक्स होंगी और क्या टाइमर्स होंगी, वो आपकी उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही होगा, कौन सा प्रोसेस जो है वो आपने किस कितनी क्लॉक में, कितने क्लॉक में और कितने टाइम के अंदर उसको परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है। अच्छा, हमारे पास दो चीज़ें और आ जाती हैं यहाँ पर, नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनियस इनपुट आउटपुट। ब्लॉकिंग होता क्या है? प्रोसेस सस्पेंडेड अंटिल आईओ कंप्लीट, यानी कि किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना जब तक एक प्रोसेस अख्ताम तक नहीं पहुंचता, दूसरा प्रोसेस जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लॉकिंग ये होता है कि जैसे ही एक प्रोसेस वर्किंग कर रहा होता है, दूसरे को वो ब्लॉक कर देता है कि जब तक इसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं होती तुम अंदर इसके एंटर नहीं कर सकते। इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, ईजी टू यूज़ है, अंडरस्टैंडेबल है, इनसफिशियंट फॉर सम नीड्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें एमरजेंसी में चाहिए होती हैं, ठीक है, जल्दी चाहिए होती हैं, लेकिन ब्लॉकिंग का प्रोसेस जो है वो तब तक उसको रन नहीं करेगा जब तक पिछला वाला टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तो फिर इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ये इनसफिशियंट है। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है, आईओ कॉल रिटर्न्स एज मच एज अवेलेबल, यानी कि जितनी बार आप सिस्टम को कॉल करेंगे उतनी बार सिस्टम आपके पास अवेलेबल होगा। यूज़र इंटरफेस डेटा कॉपी, ठीक है, यूज़र इंटरफेस होता है डेटा कॉपी, बफर्ड आईओ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स का जो डेटा है उसकी कॉपी होती है आपके पास। इम्प्लीमेंटेड वाया मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क वो एट अ टाइम परफॉर्म करता है। रिटर्न क्विकली विद काउंट ऑफ बाइट्स रीड और रिटर्न, यानी कि अगर कोई काम रीड हो रहा है वहाँ पर, या कोई रीड की कमांड है या राइट की कमांड है, फिर भी उसको वापस रिटर्न क्विकली, यानी कि जल्दी से वापस बुलाया जा सकता है कमांड के थ्रू। यहाँ पर यह होता था कि जब तक वो फ्री नहीं होता था वो वापस रिटर्न नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर उसे बुलाया जा सकता है, किसी भी इंटरप्शन की जा सकती है। सिलेक्ट टू फाइंड इफ डेटा रेडी, सेलेक्ट तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा रेडी हो। फिर रीड यूज़ करते हैं कि अब तुम उसको रीड करो, और राइट टू ट्रांसफ़र, या उसको राइट करो और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दो। एसिंक्रोनियस प्रोसेस रन्स वाइल आईओ एग्जीक्यूट, यानी कि प्रोसेस जो है वो रन कर रहा होता है जब आपके पास इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। डिफ़िकल्ट टू यूज़, मुश्किल है इसका इस्तेमाल। आईओ सब सिस्टम सिग्नल्स प्रोसेस वन आईओ कम्प्लीट, और जब तक इनपुट आउटपुट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो उसको सिस्टम वो सिग्नल नहीं देता, ठीक है। आईओ सब सिस्टम सिग्नल प्रोसेस व्हेन आईओ कंप्लीटेड, अब जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट होगा दूसरा भी रन में आ जाएगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूज़ करना, क्योंकि आप एक प्रोसेस को कितनी बार रन करेंगे, अगर एक प्रोसेस पहले ही एग्जीक्यूट हो रहा है तो दोबारा से आपने उसी प्रोसेस को तो एग्जीक्यूट नहीं ना करना, आपको एक नया प्रोसेस चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ हो जाता है।